मनोज, आप कहां पर हैं और वहां किस तरह की कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी जहांगीरपुरी इलाके में ही मौजूद हूं और एक ये देखिए एक और जो जेसीबी मशीन है वो यहां पर आ गई है अतिक्रमण हटाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक जेसीबी मशीन और ये आप ही की तरफ पहुंच रही है और यहां पर जो एमसीडी के लोग मौजूद हैं और जो अतिक्रमण किया हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा में नरेंद्र दिखाएंगे, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना सामान हटा लीजिए नहीं तो यहां से ये तोड़ दिया जाएगा। और जो लोग हैं उन्होंने अपना सामान यहां से हटाना शुरू कर दिया है। तो लगातार जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर पहुँच रही है और लोगों में अफरा तफरी का एक माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। अपना सामान लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है, अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतीश जी, क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपको? इंस्ट्रक्शन ये मिला कि जो बाहर अवैध है, बाहर नाले से बाहर है, सब हटा दिया जाएगा। आपने इनको कहा अपना सामान हटाने की? वार्निंग दे दी गई है। ये नहीं हटाते फिर सब? सब भर दिया जाएगा। ये जो ये सामने अतिक्रमण नजर आ रहा है सब हटा देंगे? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए साफ है कि जो यहाँ पर एक नाला है और नाले के बाहर जितना भी अतिक्रमण किया गया है अगर लोगों ने उसे खुद नहीं हटाया तो एमसीडी की जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब वो अपनी कार्रवाई यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू करने वाली है। लोगों से बस ये अपील की गई है कि अपना सामान हटा लें। और एक और जेसीबी मशीन आप देखिए तस्वीरों में, एक और जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ से आती हुई, जब अभी हमने कमिश्नर से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया था कि 7 जेसीबी मशीन है जो आज पूरे जहांगीरपुरी से अतिक्रमण को खत्म करेंगे। ये देखिए तस्वीरों में एक और एमसीडी के कर्मचारी हैं। जी जी बताइए। मेरा नाम है इसके मुस्तफा रहमान। ये लोग को बार बार बताया जाते हैं एसी रोड में हम लोगों का ड्यूटी है, ये लोग कभी मानते हैं मानते नहीं है, कभी हटा दिया तो फिर 2 दिन बाद फिर लगा दिया। हम लोग को बहुत परेशान करते रहते हैं, हम लोग को ऐसे हो जाते हैं हम लोग को ड्यूटी चला जाएगा। हम लोग ये लोग को हर टाइम समझाते हैं लेकिन ये लोग समझता नहीं है, कभी हटा दिया फिर देखो एक हफ्ता बाद फिर लगा देते हैं। इसी रोड में कुशल रोड में डी ब्लॉक में हमारा ड्यूटी है। मेरा नाम है इसके मुस्तफा रहमान। बिल्कुल, देखिए एमसीडी कर्मचारी ने बताया कि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं लेकिन ये बार बार अपना सामान फिर से लगा लेते हैं यहाँ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।